डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, टुडे आई शैल टीच यू SST चैप्टर नंबर 4। द चैप्टर नेम इज मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स यानी खनिज और शक्ति के संसाधन। इस लेसन को आप फर्स्ट वीडियो में पढ़ भी चुके हैं, तो इसके तीन हेडिंग्स बचे हुए हैं। आप जो पढ़ चुके हैं वो हेडिंग इस प्रकार से हेडिंग्स हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, माइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल्स रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, यूजेस ऑफ मिनरल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स को आप फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब तीन हेडिंग आपके बचे हैं, पावर और एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्स। ये तीन हेडिंग है जो आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब आप पेज नंबर 34 पर पहुँचेंगे और लेसन को शुरू करते हैं। तो पहला हेडिंग होगा पावर और एनर्जी रिसोर्सेज, शक्ति या ऊर्जा के स्रोत या संसाधन। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ पावर। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये मुख्य संसाधन हैं, मुख्य साधन या मुख्य स्रोत हैं ऊर्जा के, शक्ति के ये मुख्य साधन हैं। देयर डिमांड हैज बीन इंक्रीज विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। इसकी डिमांड, इसकी मांग आजकल लगातार बढ़ रही है। विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के चलते पूरे विश्व में इन तीनों चीजों की मांग विशेष रूप से बढ़ रही है। रिसेंटली द यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी हैज बीन ट्राइड टू सप्लीमेंट दिस इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ पावर। इसके स्थान पर एटॉमिक एनर्जी या टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी को भी हम प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसकी डिमांड कुछ घटे। इसकी डिमांड को घटाने के लिए हम इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। कोयले को आप देख सकते हैं चित्र में, और ये ऑयल के विषय में भी यहाँ पे दिया, एक कुआ दिखाया जा रहा है किस किस प्रकार से तेल को हम जमीन के बाहर निकालते हैं, ये चित्र में आप देख सकते हैं। कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर मिनरल्स ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन। ये जो कोयला है या खनिज तेल है या नेचुरल गैस है, ये कैसे लवण हैं, ऑर्गेनिक कार्बनिक हैं, इनका उनकी उत्पत्ति जो है कार्बनिक पदार्थों से हुई है। दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, इनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बिकॉज दे वर फॉर्म्ड, क्योंकि इनका निर्माण हुआ है फ्रॉम प्लांट्स, जंतुओं से एंड एनिमल्स रिमेंस, जंतुओं के रिमेंस अवशेषों से और वनस्पतियों के अवशेषों से कोल, मिनरल और नेचुरल गैस का निर्माण हुआ है, जो कि दैट गॉट ब्यूरीड अंडर द सॉयल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ये हजारों सैकड़ों वर्षों पहले पृथ्वी के नीचे दब गए थे और उनके दब वही चीज दब के आज कोयला, खनिज तेल और गैस का रूप धारण उन्होंने कर लिया है और हमको प्राप्त हो रहा है। दे गॉट कन्वर्टेड इंटू हाइड्रोकार्बन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की दे गॉट कन्वर्ट, ये बदल जाते हैं इंटू हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन के रूप में परिणत हो जाते हैं हवा की उपस्थिति में। मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं खनिज तेल और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस सामान्यतः सेडिमेंट्री रॉक्स में पाई जाती है। दैट वर वंस अंडर शैलो सीज, जो कि पहले कभी जब जमीन के नीचे दब गई थी, आज वहाँ पे समुद्र है, तो समुद्र के नीचे से भी इन चीज़ों को निकाला जा सकता है। डिकम्पोज्ड रिमेंस ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म, क्या हुआ कि जलीय जीव थे, जीवधारी थे, वो भी कभी पृथ्वी के अंदर दब गए, और एनिमल्स और जानवर भी पृथ्वी के अंदर दब गए, एंड अदर मैरीन क्रीचर्स, और जल में रहने वाले अन्य प्राणी भी पृथ्वी के अंदर दब गए। बट ब्यूरीड एंड कन्वर्टेड इंटू ऑयल, उनके वो दफन होने के बाद हीट एंड प्रेशर के कारण वो तेल में बदल गए और नेचुरल गैस के रूप में बदल गए। अंडर हीट एंड प्रेशर ऑफ एवरीलाइंग रॉक्स, और चट्टानों ओवरलाइंग रॉक्स, इसके ऊपर चट्टानें थी, चट्टानें टूट के या गर्मी और
ऊष्मा और हीट के कारण से ये तेल के रूप में चट्टाने बदल गई। द ऑयल एंड गैस गॉट स्क्वीज्ड अंडर द प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स। ओवरलाइंग रॉक्स का मतलब क्या है, चट्टाने जो बहुत पहले से डेड चट्टाने थी वो टूट के पिघल के गर्मी और दबाव के कारण पिघली और उनके निचोड़ने से जो चीज पैदा हुई उसको हम ऑयल या गैस के रूप में जान सकते हैं। टुडे दीज रिजर्व्स आर फाउंड ट्रैप्ड बीनीथ लेयर्स ऑफ इम्परमेबल रॉक्स एंड एंटीक्लाइंस ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। आज ये जो भंडार है इसके वो हम प्राप्त करते हैं पृथ्वी की सतह के नीचे से, जो कि चट्टानें किस प्रकार की हैं, अपारगम चट्टानें हैं और ये सिकुड़ के मुड़ के मेहराब के रूप में परिणत हो गई हैं, ऐसी बन गई हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, उनके नीचे से ही तेल को हम प्राप्त करते हैं। ऑल सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द वर्ल्ड आर पोटेंशियल ऑयल वियरिंग रॉक्स। जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं पूरे विश्व में, ऑल पोटेंशियल ऑयल वियरिंग रॉक्स, इन सबसे जो है इन चट्टानों से ही ऑयल को हम प्राप्त करते हैं। हाउएवर इट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल टू एक्सट्रैक्ट ऑयल इन एवरी वेल्ट। जहाँ पर वे चट्टानें जिनमें जिनसे तेल कम से कम मात्रा में निकलता है वो हमारे लिए आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होती हैं। एरियाज विद लार्ज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड, वो क्षेत्र जो तेल के भंडारण के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में तेल जहाँ पर पाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों को हम रिजर्वर रॉक्स के नाम से जानते हैं। सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैव लिमिटेड रिजर्व्स एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड। कुछ ऊर्जा के जो स्रोत हैं जैसे कोयला पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, इसके जो भंडार हैं वो कैसे हैं, सीमित हैं, खत्म हो सकते हैं। सम सोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी रिन्यूड। कुछ ऐसे स्रोत हैं जो हम पौधों से और जानवरों से भी प्राप्त करके रिन्यूड कर सकते हैं। द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स, द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर, ऊर्जा के कुछ ऐसे संसाधन हैं जो नॉन कन्वेंशनल हैं जैसे सूर्य लाइक द सन, विंड, टाइड, जियोथर्मल सोर्सेज एटसेट्रा आर इनहैबिटेबल। कुछ ऐसे भी सोर्स या स्रोत हैं ऊर्जा के नॉन कन्वेंशनल, जैसे सूर्य है, हवा है, या तरंग ऊर्जा है, या भूतापी ऊर्जा है, ये ऐसे संसाधन हैं हमारे स्रोत ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि अस्थायी रूप से आगे चलते रहेंगे। पहले नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं, इसमें कोयले का भी नंबर आता है जिसको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे मिनरल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। कोल इज फॉसिल फ्यूल, जैसा कि आप जानते हैं कोयला जो है वो एक जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एशियंट प्लांट रिमेन्स दैट हैव बीन कॉम्पैक्टेड एंड अल्टर्ड बाई हीट एंड प्रेशर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसके विषय में आप ऊपर भी पढ़ चुके हैं, जैसा कि जानते हैं इन चीज़ों का निर्माण बहुत वर्षों पहले हुआ है, जब कभी जीवधारी और वनस्पतियां पृथ्वी के नीचे दब गईं और मिलियंस ईयर्स एक बहुत हजारों सालों पहले ये दब गए नीचे और हीट और प्रेशर के कारण से ये लिक्विड में परिवर्तित हो गए, जैसा कि हमें आज प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स बिकम्स ए कंबस्टिबल ब्लैक रॉक कंपोज्ड मेनली ऑफ कार्बन। इसका परिणाम क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट बने वो कैसे हैं, वो दहनशील हैं या जलने के योग्य हैं। ब्लैक रॉक्स कंपोज, जो काली चट्टाने हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, मुख्य रूप से कार्बन के घटकों से इनका जो ब्लैक रॉक है इनका निर्माण हुआ है। इट इज मेनली यूज्ड ए कंबस्टन फ्यूल, जिनका प्रयोग हम दहनशील ईंधन के रूप में करते हैं या कंबस्टन फ्यूल के रूप में इसका उपयोग करते हैं, या टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसका प्रयोग हम बिजली के उत्पादन में भी करते हैं। एंड मेक कोक फॉर द स्टील इंडस्ट्री, और कोक का निर्माण करते हैं जिसका प्रयोग हम स्टील इंडस्ट्री में
करते हैं। टुडे कोल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एनर्जी सोर्सेज। आज के युग में कोयला कैसा है, इज द वन ऑफ मोस्ट वाइडली यूज एनर्जी सोर्स, ऐसा स्रोत है जिसको सबसे प्रमुखता से बहुत बड़े क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। एक एनर्जी के स्रोत के रूप में इसका प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में विश्व में किया जाता है। इट इज बीइंग यूज फॉर वेरियस पर्पजेस, इसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे सच एज हीटिंग ऑफ हाउसेस, घरों को गर्म करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, एज फ्यूल फॉर बॉयलर्स, और बॉयलर्स को चलाने के लिए ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, एंड स्टीम इंजन्स, और जो स्टीम के इंजन हैं इनको चलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, एंड फॉर जनरेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, बाई थर्मल प्लांट्स, थर्मल जो प्लांट लगे हुए हैं उनमें बिजली बनाने के लिए भी कोयले का प्रयोग होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट, इसके जो घटक हैं वो लगभग 70% ऑफ टोटल कॉमर्शियल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द कंट्री, मतलब जितनी भी एनर्जी का यूज होता है उसमें 70% एनर्जी जो है वो कोयले से प्राप्त होती है किसी भी देश के लिए। कोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, कोयले को हम प्राप्त किस प्रकार करते हैं, पृथ्वी को खोदकर कोयले को हम प्राप्त करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम माइनिंग या खनन कहते हैं। कनेक्ट टू ज्योग्राफी में देखेंगे आप, कुकिंग कोल या कोक, जो हम कोयला प्रयोग करते हैं ये कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, पोरस कम्बस्टिबल, और जलने में बहुत ही दहनशील होता है। रेजिड्यू दैट इज प्रोड्यूस्ड, इसका उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, व्हेन कोल इज हीटेड इन ए क्लोज्ड ओवन, तो यूज करने से पहले कोयले को एक सघन ओवन के अंदर गर्म किया जाता है, तब ये कोयला कोक के रूप में इस्तेमाल होता है। इट इज एडवांटेजियस टू यूज कोल, इसका जो कोयले का जो प्रयोग है बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि बिकॉज इट इज अफोर्डेबल एंड रिलायबल, ये विश्वसनीय है और सस्ता भी है, इसलिए इसका यूज बहुत ही लाभकारी है। एट द सेम टाइम, एक समय, इट गिव्स आउट स्मोक विद लीड्स टू हेल्थ हैजर्ड्स, एक चीज और है, एट द सेम टाइम इट गिव्स, जिस तरह ये लाभकारी भी है थोड़ा नुकसानदायक भी है, क्योंकि इससे निकलने, इसके कंबस्टर में जो धुआं निकलता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कोल कंटिन्यूज टू बी ए वैल्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, कोयला जो है लगातार एक एनर्जी का प्रमुख संसाधन के रूप में हम लगातार इसका प्रयोग करते चले जा रहे हैं। ऑल्दो, यद्यपि क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड, एक प्रश्न उठता है कि अबाउट इस सस्टेनेबिलिटी, इसके स्थायित्व पर एक प्रश्न उठता है, इन द फ्यूचर एज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज वेल एज इट्स एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, कि जो कोयले के कंबस्टर से धुआं निकलता है या जो कोयला बहुत दिन तक जम जलाएंगे तो कितना सारा धुआं निकलेगा, और फ्यूचर के जनरेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे एनवायरनमेंट पर इस स्मोक का कितना असर होगा, ये हमको सोचना होगा। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से कोल गिव्स आउट स्मोक, कोयले के जलने से जो धुआं निकलता है वो दिखाया जा रहा है। और नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में चाइना जो है सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है, इसकी बाद में फॉलोड बाय द यूएसए, इसके बाद यूएसए का नंबर आता है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड जर्मनी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी कोयले का उत्पादन होता है। इंडिया हैज अबाउट 7% ऑफ द वर्ल्ड्स कोल रिजर्व्स, कोयले का जो भंडारण है वो भारत में पूरे विश्व के उत्पादन का 7% पाया जाता है। कोल इज फाउंड इन झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, इन स्टेट में, जैसे कि स्टेट बताए जा रहे हैं, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में कोयले को खनन के द्वारा निकाला जाता है।
मिनरल ऑयल या खनिज तेल की बात करेंगे तो मिनरल ऑयल इज आल्सो नॉन एज पेट्रोलियम। खनिज तेलों को हम पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं और पेट्रो इन लैटिन मीन्स पेट्रो एक पेट्रोलियम जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें पेट्रो का मतलब होता है रॉक्स या चट्टान, पेट्रो मीन्स चट्टान एंड ओलियम का मतलब होता है ओलियम मीन्स ऑयल, ओलियम का मतलब तेल होता है तो इसको हम पेट्रोलियम को तेल के रूप में हम मार्क कर सकते हैं। पेट्रोलियम इज ऑब्टेंड फ्रॉम सेडिमेंटरी रॉक्स, जैसा कि आप जानते हैं पेट्रोलियम को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स से हम पेट्रोल को पेट्रोलियम पदार्थों को प्राप्त करते हैं। द टोटल वर्ल्ड वाइड रिजर्व ऑफ द ऑयल आर एस्टिमेटेड एट 1,000 बिलियन बैरल्स। टोटल वर्ल्ड वाइड रिजर्व जो पूरे विश्व में जितने भी बैरल बिलियन 1,000 बिलियन बैरल जो है वो तेल के भंडार हमारे यहाँ ऐसा अनुमान है कि 1,000 बिलियन बैरल का तेल का भंडार विश्व में पाया जाता है। अबाउट 2/3 ऑफ द सप्लाई जो सप्लाई है 1,000 बिलियन बैरल की तो इसका 2/3 इज कंट्रीब्यूटेड बाय द कंट्रीज ऑफ पर्शियन गल्फ, जो पारस की खाड़ी के आसपास के देश हैं तो 1,000 बिलियन बैरल का 2/3 भाग जो है वो पारस की खाड़ी के इलाकों में पाया जाता है। प्रेजेंटली सऊदी अरेबिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल इन द वर्ल्ड। आज के नज़र से या वर्तमान स्थिति में सऊदी अरब जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है तेल का पूरे विश्व में। सऊदी अरब का स्थान नंबर 1 पे आता है तेल के उत्पादन में। द गल्फ कंट्रीज अलोंग विद रसिया, जो खाड़ी देश हैं उसके साथ में आप देखेंगे रसिया, रूस, वेनेजुएला, मैक्सिको, लीबिया एंड नाइजीरिया अकाउंट फॉर नियरली 90% ऑफ द वर्ल्ड्स नॉन रिजर्व। यहाँ पर विश्व के 90% जो है भंडारण तेल के इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑयल इज आल्सो फाउंड इन USA, तेल जो है USA में भी पाया जाता है, UK यानी यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है, नॉर्वे में पाया जाता है, डेनमार्क में पाया जाता है, जर्मनी में भी पाया जाता है एंड नीदरलैंड्स, और तेल जो है नीदरलैंड में भी पाया जाता है। ऑयल इन आवर कंट्री, तेल हमारे देश में वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, पहली बार खोजा गया एट डिगबोई नाम की जगह है जहाँ पर तेल को हमारे यहाँ यानी भारत में तेल का जो है तेल की खोज सबसे पहले डिगबोई में हुई जो कि आसाम में पड़ता है एंड लेटर एट मुंबई हाई, उसकी बाद में मुंबई हाई की खोज हुई जो महाराष्ट्र में है, दो जगह तेल भारत में निकलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मिनरल ऑयल को ये दिखाया जा रहा है, क्रूड मिनरल ऑयल, तेल जिस अवस्था में जमीन से निकलता है वो अशुद्ध होता है उसको क्रूड मिनरल ऑयल कहते हैं। बैंड रिफाइंड, जब इसको हम रिफाइंड करते हैं प्यूरीफाई करते हैं ईल्ड से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तेल को जब प्यूरीफाई किया जाता है तो उसमें बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे यूज के होते हैं और इससे हमें प्राप्त होते हैं, जैसे लाइक पेट्रोल, इन क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है और मिट्टी का तेल केरोसिन भी उससे ही प्राप्त होता है। द अदर वाई प्रोडक्ट्स इंक्लूड रॉ मटेरियल्स, इससे अन्य भी उत्पाद इससे भी निकलते हैं जिसको हम बाई मटेरियल कह सकते हैं, रॉ कच्चे माल के रूप में भी निकलते हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक, ल्यूब्रिकेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड ड्रग्स। ये चीज़ें भी जब क्रूड ऑयल को हम प्यूरीफाई करते हैं तो ये चीज़ें भी हमें प्राप्त होती हैं, ड्रग वगैरह, फाइबर और सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स भी निकलते हैं। मिनरल ऑयल हैज ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द प्रेजेंट डे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, देख सकते हैं मिनरल ऑयल हैज ग्रेट इम्पोर्टेंस, मिनरल ऑयल का हमारे जीवन में या हमारा जो ये इंडस्ट्रियल लाइफ चल रही है या जो औद्योगिक विश्व की जो बात चल रही है इसमें मिनरल ऑयल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। टिलिपेंडेंस, स्वतंत्रता तक जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसकी बात क्या हुआ, ऑयल वाज ड्रिल्ड ओनली इन आसाम, हमारे यहाँ सबसे पहले तेल आसाम में ही निकलता था जो कि डिगबोई नाम की जगह है वहाँ पे निकाला जाता है। नाउ मैनी न्यू एरियाज इन गुजरात एंड ऑफ मुंबई कोस्ट, अब गुजरात में भी कई जगह ऐसे हैं कई क्षेत्र जहाँ पे तेल निकलता है और मुंबई में महाराष्ट्र में एक जगह है जिसको हम मुंबई हाई के नाम से जानते हैं,
यहाँ समुद्र से तेल निकाला जाता है, हैव बीन डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड, इसको खोजा भी गया है और इसको विकसित भी किया गया है मुंबई हाई को डिगबोई के बाद में इसका दूसरा स्थान आता है। अवर टोटल प्रोडक्शन इज अबाउट 38 मिलियन टन्स, हमारा जो उत्पादन है, अवर टोटल प्रोडक्शन इज अबाउट, हमारा जो सभी क्षेत्रों से तेल का जो उत्पादन है वो कितना है, 38 मिलियन टन है, जो कि विच इज फार लेसर देन अवर नीड्स, जो कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए काफ़ी नहीं है। मुंबई हाई को आप चित्र में देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ तेल निकाला जाता है। और उसके बाद में आप कनेक्ट टू ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे, इसमें कुछ तथ्य बताया जा रहा है। द फर्स्ट मैन टू हैव डिस्कवर्ड पेट्रोलियम वाज सैमुअल एम कील, हु इन 1848, एक आदमी बताया जा रहा है जिसने सबसे पहले तेल खोज की थी, सन 1848 में सैमुअल एम कील नाम के व्यक्ति ने सन 1848 में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज की थी। इसने पेट्रोल को कैसे खोजा, फाउंड, इसने प्राप्त किया इसको, फाउंड इट बाय चांस, इसने बाय चांस तेल खोज कर ली थी, इन वेल ऑन द बैंक्स ऑफ द अलेघेनी रिवर, जो अलेघेनी नदी है उसके किनारे एक कुएं में इसने तेल को पहली बार देखा था, जो कि ऑफ पेनिसिल्वानिया, जो कि पेनिसिल्वानिया नाम की जो है जगह है वहाँ पे इसने तेल को पहली बार देखा था। और ये यूएसए में पड़ता है। द फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड बाई एडमिन एल डेक, पहला जो कुआ था तेल का इसको किसने खोदा था, इस व्यक्ति का नाम है एडमिन एल ड्रेक नाम के व्यक्ति द्वारा पहला तेल कुआ खोदा गया। एट टीटूस विले इन पेनिसिल्वानिया, पेनिसिल्वानिया नाम का जो स्थान है, जो देश है, यहाँ पर टीटूस विले नाम की जगह है, इस जगह पर इस एडमिन एल डेक द्वारा कुआं पहली बार खोदा गया। उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल गैस की, ये क्या होता है, इसको हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। नेचुरल गैस इज ए फॉसिल फ्यूल, ये भी एक जीवाश्म ईंधन है, विच इज फाउंड एलोंग विद पेट्रोलियम डिपोजिट्स डीप अंडर द अर्थ सरफेस, जिस प्रकार से पृथ्वी के काफ़ी गहराई में पेट्रोलियम निकलता है तो उसी प्रकार से पृथ्वी की सरफेस के काफ़ी अंदर तक जाने पर नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, इसके भंडारण भी काफ़ी अंदर पाए जाते हैं। हैंस वैन क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, जैसे प्रकार से जिस प्रकार से जिन तरीकों से हम क्रूड ऑयल को बाहर निकालते हैं, नेचुरल गैस आल्सो कम्स आउट विद इट, तो पेट्रोलियम के साथ में प्राकृतिक गैस भी बाहर आ जाती है। नेचुरल गैस गिव्स ऑफ ए लॉट ऑफ हीट एंड लाइट व्हेन इट बर्न्स बट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, तो ये जो नेचुरल गैस होती है तो जब ये निकलती है इसका हम यूज करते हैं तो काफ़ी मात्रा में हीट और लाइट पैदा करती है जब ये जलती है तो, लेकिन इसमें धुआं नहीं निकलता है, धुएं का उत्पादन इससे नहीं होता है। दैट मेक्स इफ इट ए गुड फ्यूल फॉर यूज एट होम, ये घर में यूज करने के लिए एक अच्छे ईंधन के रूप में कार्य करती है नेचुरल गैस। इट इज आल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, इट इज आल्सो यूज, इसका प्रयोग उद्योगों में भी किया जाता है। वेरी फ्यू कंट्रीज एक्चुअली हैव सफिशियंट नेचुरल गैस रिजर्व्स, बहुत कम देश हैं जहां पर इसके पर्याप्त मात्रा में भंडारण पाए जाते हैं। देयर ऑन, उन इतना भंडार किसी देश में नहीं पाया जाता कि वो अपनी पूरी आवश्यकता अपने से ही कर ले। द मैन प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस आर रशिया, जो मुख्य उत्पादक देश हैं प्राकृतिक गैस के उनमें रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड, ये चार देश हैं, नीदरलैंड, यूके, नॉर्वे और रशिया, इनमें प्राकृतिक गैस पाई जाती है। इन इंडिया, भारत में प्लेसेस लाइक जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज, भारत में भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर नेचुरल गैस पाई जाती है, उनके नाम हैं जैसलमेर, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र, त्रिपुरा और कुछ ऐसे इलाके हैं मुंबई के आसपास जहाँ पर नेचुरल गैस के भंडार पाए जाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर, इसको देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जल विद्युत शक्ति के विषय में देखेंगे। द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर हैज बीन हार्नेस्ड सिंस लॉन्ग फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो बहता हुआ पानी है, इस पानी को मशीनों के द्वारा जो ग्राइंडिंग की जाती है उससे जल विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। इट इज ए क्लीन नॉन पोल्यूटिंग सोर्स विच गिव्स इलेक्ट्रिसिटी एट ए मच चीपर कॉस्ट देन अदर सोर्सेज। ये जो बिजली उत्पादित करने का तरीका है इसमें न तो प्रदूषण होता है और इसको बनाने की प्रक्रिया काफ़ी सस्ती होती है। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो मेथड बनाने का है, वो पानी से बिजली बनाने की जो प्रक्रिया है वो पोल्यूशन रहित है और ये सस्ती पड़ती है ऊर्जा के संसाधन में, ऊर्जा के संसाधन के रूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ओनली द इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप हाइड्रल पावर प्लांट्स टर्बाइंस एंड ट्रांसमिशन लाइन्स इज हायर कंपेयर टू अदर सोर्सेज। जैसे कि अन्य स्रोत जो है ऊर्जा उत्पादन करने के जो तरीके हैं उनमें बहुत खर्चा अधिक आता है और उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये तरीका ऐसा है इसमें केवल टर्बाइन और ट्रांसमिशन मशीन का यूज करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप हाइड्रल पावर प्लांट टर्बाइंस एंड ट्रांसमिशन लाइन्स इज हायर कंपेयर टू अदर सोर्सेज। बिजली बनाने के जो अन्य साधन है उससे ये साधन जो है वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। 20% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम हाइड्रल पावर। इस प्रकार से जो जितनी बिजली बनती है पूरे विश्व में उसका 20% जो है वो इस प्रकार से पानी से ही बिजली को बनाया जाता है, जिसको हम हाइड्रल पावर कहते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन की 20% बिजली इस प्रकार से बनाई जाती है। मैनी डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर सस्टेनिंग देयर इंडस्ट्री ऑन हाइड्रल पावर। एग्जाम्पल के तौर पे जापान, यूएसए, स्वीडन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ये देश ऐसे हैं जहाँ पर ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है इस पावर के इस्तेमाल से सारे के सारे उद्योगों को चलाया जाता है। ये देश कौन कौन से हैं? जापान, यूएसए, स्वीडन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इन देशों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के इस्तेमाल से ही सारी इंडस्ट्रीज को चलाया जाता है। इन इंडिया हाइड्रल पावर इज डेवलप्ड एंड जनरेट बाई सेवरल पावर प्लांट्स लाइक बाखरा नांगल। भारत में भी इस तरीके को अपनाया गया और हाइड्रल पावर को प्रयोग किया गया और बहुत सारे बिजली के जो संस्थान हैं बनाने के उनका निर्माण किया गया। उन स्थानों के नाम हैं जहां बिजली बनाई जाती है, बाखरा नांगल, डीबीसी, हीराकुंड, यह रिहंद नदी पर बना है, तुंगभद्रा, चंबल, कोशी, महात्मा गांधी प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन जोग फॉल्स रिवर्स साबरमती। ये साबरमती एक झरना, यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। एंड शिव समुद्रम ऑन कावेरी, कावेरी में शिव समुद्रम नाम की जगह है, वहाँ पे बिजली बनाने के जो फैक्ट्री है वो लगाई गई है। इन कर्नाटका, जो कर्नाटक स्टेट में पड़ता है, देयर आर हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास इन द वेस्टर्न घाट एंड टाटा हाइड्रल एजेंसी ग्रिड। भारत में देयर आर हाइड्रल पावर प्रोजेक्शन फुट हिल्स, हिमालय के जो तलहटी क्षेत्र है वहाँ पर भी बिजली बनाने की चीज़ें, बिजली बनाने के साधन को यूज किया गया है। इन द वेस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट में भी बिजली बनाई जाती है और टाटा हाइड्रल एजेंसी का जो एजेंसी है उसके भी बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ पर बिजली बनाने के कारखाने लगाए गए हैं। और भाखरा नांगल को आप देख सकते हैं, इस बांध पे बिजली बनाई जाती है, तो आप इस चित्र में दिखाया गया है। द प्रॉब्लम फेस्ड बाई हाइड्रल पावर इज दैट डैम्स कॉस्ट ऑफ ए लॉट ऑफ मनी एंड टेक ईयर्स टू बिल्ड। एक परेशानी है, पहली परेशानी तो ये है कि इसमें बहुत पैसा लगता है बांध को बनाने में, और बांध बनाने में बहुत समय लगता है। तो पहले तो बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होगी, बहुत सारे समय की आवश्यकता होगी, तब जाके ये हाइड्रल पावर जो है सिचुएटेड हो पाता है। मोर एवर
लार्ज डैम्स एंड लेक्स रिक्वायर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड सो दे आर ऑलवेज अंडर कॉन्ट्रोवर्सी। उस बहुत बड़े क्षेत्र को सुरक्षित करना पड़ता है जहाँ पे ये बांध वगैरह बनाए जाते हैं या किसी झील पे बांध को बनाते हैं, तो वहाँ के जो लोकल के लोग होते हैं उनको दूसरे स्थानों पर सुरक्षित रखना पड़ता है। और फॉर एग्जांपल नर्मदा प्रोजेक्ट इन इंडिया, भारत में नर्मदा प्रोजेक्ट बनाया गया भारत में, तो नर्मदा नदी पर जो बांध बनाया गया तो वहाँ के इलाके के जितने भी लोग थे उनको दूसरे स्थानों पर सुरक्षित किया गया, उनको बसाया गया, उनकी सारी फैसिलिटी जो सुविधाएं थी वो दी गई, तब जाके ये प्रोजेक्ट बन पाया। कनेक्ट टू ज्योग्राफी में देखेंगे, अदर देन फॉसिल फ्यूल्स देयर आर अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जीवाश्म ईंधनों के अलावा कुछ वैकल्पिक स्रोतों की भी खोज हो रही है जिनको हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, जैसे टाइडल पावर या इसको कह सकते हैं तरंग ऊर्जा, सोलर और हम इसको कह सकते हैं सौर ऊर्जा, बायोमास एंड न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा, और बायोमास ऊर्जा को भी हम वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज की बात करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो नॉन कन्वेंशनल हैं तो उनकी हम बात करते हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी आर द रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ये कैसे हैं ऊर्जा के संसाधन, इनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ सन, दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, जिनको इनका उत्पादन किनसे होता है, या तो हवा से होता है सन और विंड, सूर्य से होता है, हवा से होता है, वाटर या पानी से इनका उत्पादन होता है, टाइड्स या तरंगों से इनका उत्पादन होता है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं। द इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज रिजल्टेड इन रैपिड डेप्लेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। यदि हम फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादातर यूज करेंगे तो धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज क्रिएटेड लार्ज स्केल पोल्यूशन। फॉसिल फ्यूल के जलने से या जीवाश्म ईंधनों के जलाने से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, प्रदूषण बहुत ज़्यादा पैमाने पर फैल रहा है। विद द राइजिंग डिमांड्स ऑफ ऑयल देयर अवेलेबिलिटी इन द नियर फ्यूचर इज ऑल्सो ब्लैक। यदि हम इनका फॉसिल फ्यूल का यूज ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, हमारे आने वाली जनरेशन को समस्याएं आएं, क्योंकि इसका अंधाधुंध प्रयोग करने से आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाएंगी। और हैंस द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी प्रमोटेड टू सप्लीमेंट द स्कर्सिटी ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसलिए हमको इसके स्थान पर कोई वैकल्पिक साधनों की खोज करनी होगी, ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं या जो कभी खत्म नहीं हो सकते हैं, ऐसे सप्लीमेंट को हमें प्रमोट करना होगा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यार इसमें कुछ प्रमुख स्रोत हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स के रूप में जिनको हम बता रहे हैं आपको, इसमें आपको सोलर एनर्जी है या सौर ऊर्जा के रूप में हम बता सकते हैं, वेन एनर्जी पवन ऊर्जा भी हो सकती है, टाइडल एनर्जी या तरंग ऊर्जा कह सकते हैं उसको, जियो थर्मल एनर्जी एंड बायोगैस, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा भी इसका एक विकल्प हो सकती है। कनेक्ट टू ज्योग्राफी में देखेंगे, द वर्ल्ड कुड प्रोड्यूस अबाउट 1.6 लाख मेगावाट्स ऑफ पावर थ्रू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड आल्सो सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। इसमें बताया गया है द वर्ल्ड कुड प्रोड्यूस अबाउट 1.6 लाख मेगावाट ऑफ पावर, पूरा विश्व 1.6 मेगावाट पावर को उत्पादित कर सकता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रूप में, और जो आल्सो सेव, जो कि हमारे पर्यावरण को बचाने में सहायक होगा और हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, इसलिए हमें इस वैकल्पिक संसाधन का प्रयोग करना चाहिए। सोलर एनर्जी की बात करते हैं, सौर ऊर्जा की बात करते हैं, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य एक ऐसा स्रोत है जो जिससे हम सबको ऊर्जा प्रदान की जाती है, ऐसा अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। सोलर पावर इज नॉन
एक्सॉस्टिबल, ये सूर्य की जो शक्ति है वो असीमित है, मतलब सीमित नहीं है। द ओनली लिमिटेशन इज दैट इट कैन बी हार्नेस्ड ओनली ड्यूरिंग सनशाइन हावर्स। एक ही सीमा इसकी है कि सूर्य की रोशनी अगर होगी तो हमें ये ऊर्जा अवश्य प्राप्त होगी, सूर्य की अगर रोशनी नहीं होगी तो थोड़ी सी समस्या हमारे सामने आ सकती है, ये इसकी सीमाएं हैं। सोलर सेल्स हैव बीन इन्वेंटेड दैट कैन कन्वर्ट एनर्जी ऑफ सन इंटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल्स हैव बीन इन्वेंटेड, सोलर जो सौर्य विकिरण जो है, सौर की जो किरणें हैं उनको खोज लिया गया है जो कि कन्वर्ट करती हैं हमारी ऊर्जा को, सूर्य ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी या बिजली में बदलने की प्रक्रिया की खोज हो गई है। द प्रोसेस हाउएवर इज कॉमर्शियली मोर एक्सपेंसिव, लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी महंगी है दैन जनरेशन फ्राम अदर कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जो ये प्रक्रिया काफ़ी महंगी है जो कि जनरेशन फ्रॉम अदर कन्वेंशनल सोर्सेज, जो दूसरे कन्वेंशनल सोर्स हैं उससे ये प्रक्रिया थोड़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। मिरर्ड रूफ्स आर बीइंग सेट अप टू टैप सोलर एनर्जी फॉर हीटिंग रूम्स एंड वाटर। आप देख सकते हैं छत पर, इस चित्र में भी दिखाया गया सोलर प्लांट को, इसमें छत पर एक शीशा युक्त प्लेटें लगाई जाती हैं, इससे जो है हम अपने घर को गर्म कर सकते हैं, घर को लाइट भी प्रदान कर सकते हैं। सैटेलाइट्स गोइंग अप इन स्पेस यूज सोलर बैटरीज फॉर प्रोवाइडिंग पावर। यहाँ तक कि जो सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में सेट करते हैं उसमें भी जो बैटरी लगाई जाती हैं वो बैटरी जो है वो सोलर पावर से संबंधित होती है, उन बैटरी से इनको ऊर्जा प्रदान की जाती है सैटेलाइट को, और ये अंतरिक्ष तक आसानी से पहुंच जाते हैं। सोलर पैनल को आप देख सकते हैं छत पे इस प्रकार से लगाया जाता है और हम हीट और लाइट को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी बात करते हैं हम विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा की। सिंस एशियन टाइम्स, प्राचीन काल से ही स्टोर्ड पावर हैज बीन यूज टू ड्राइव विंड मिल्स टू ग्रिंड ग्रेन। प्राचीन काल में ये व्यवस्था चलाई जा रही थी कि हम पवन ऊर्जा को इस्तेमाल करते थे, इसको हम नाव इत्यादि में इसका प्रयोग पहले से करते चले आ रहे हैं। इट हैज़ बीन यूज टू प्रोफिल शिप्स, जैसा कि बता रहे हैं हम जहाज़ों में भी इसका इस्तेमाल करते थे। रिसेंटली विंड पावर हैज़ बीन यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी आल्सो, और बिजली बनाने में भी पवन ऊर्जा का प्रयोग होता है। बट विंड पावर इज नॉट टोटली रिलायबल एज इट इज हाईली वेरिएबल इन टाइम प्लेस एंड इंटेंसिटी, लेकिन विंड पावर जो होता है उतना ज़्यादा विश्वासजनक नहीं होता है, क्योंकि स्थान और इंटेंसिटी के आधार पे ही इसको हम विश्वास पे कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, क्योंकि यदि पवन नहीं चल रही है तो किसी भी प्रकार की कार्रवाई हम नहीं कर सकते हैं, इसके बिजली इत्यादि नहीं बना सकते हैं। देयर द places where wind power has been developed, large wind farms dominate the skyline in hilly or coastal areas। ये जो विंड मिल्स जो हैं ये कहाँ पे लगाए जाते हैं, या तो पहाड़ी क्षेत्र हो उनकी पहाड़ियों की ऊंचाई पे लगाए जाते हैं, या समुद्री क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। इसको चित्र में देख सकते हैं आप किस प्रकार से पंखे जैसे लगाए गए हैं, और इनसे जो है हवा चलती है तो ये पंखे घूमते हैं, उससे बिजली बनती है। प्लेस देयर विंड पावर हैज बीन डेवलप्ड, वो स्थान जहाँ पे इनको डेवलप किया गया है वो लार्ज विंड फार्म्स डोमिनेट, बहुत बहुत बड़े फार्म बनाए गए जिनमें ये पंखे लगाए गए हैं, और काफ़ी ऊंचे स्थानों पे इनको लगाया जाता है या समुद्री इलाके में इन्हें सिचुएट किया जाता है। एरियाज देयर देयर इज ग्रेट पोटेंशियल टू डेवलप दिस पावर आर द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट कोस्टल एरिया एंड द कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड साउदर्न कैलिफोर्निया। ये स्थान है जहाँ पे इनको लगाया गया है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग, समुद्र के किनारे का इलाका, एंड द कोस्टल रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, और उत्तर पूर्वी यूएसए का जो कोस्टल रीजन है उसमें ये पाए गए हैं, लगाए गए हैं इनको, और साउथर्न कैलिफोर्निया और दक्षिणी कैलिफोर्निया में इस प्रकार के विंड मिल्स को लगाया गया है। द नीदरलैंड्स इन द यूरोप
यूरोप में नीदरलैंड हैज यूज्ड विंड मिल्स फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से नीदरलैंड में इन विंड मिल्स का प्रयोग किया जा रहा है। नाउ द गुजरात एंड तमिलनाडु कोस्ट आर ट्राइंग टू टैप दिस एनर्जी इन इंडिया, इस ऊर्जा को भारत में भी अजमाया गया है। गुजरात और तमिलनाडु के जो समुद्री क्षेत्र हैं उनमें इसको जो है अजमाने का मतलब इसको लगाया गया है और ये प्रयास किया गया है कि कितने ये कारगर साबित होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, या इसको हम परमाणु ऊर्जा कह सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम यूरेनियम एंड थोरियम थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा फिजन बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज जनरेटेड, न्यूक्लियर एनर्जी को हम किस प्रकार से उत्पाद करते हैं, यूरेनियम और थोरियम से इसको हम पैदा करते हैं थ्रू न्यूक्लियर फिजन, इसको हम नाभिकीय विवर्तन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से हम न्यूक्लियर एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। दीज मिनरल्स रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं तो इन थोरियम और यूरियम के प्रयोग से या इन खनिजों के प्रयोग से बहुत बड़ी मात्रा में हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत। दी यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया हैव लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और रूस में बहुत बड़ी मात्रा में ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स पाए जाते हैं। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव इनॉर्मस डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम, भारत में राजस्थान और झारखंड में काफ़ी मात्रा में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। थोरियम इज फाउंड अलोंग द मोनेजाइट सैंड्स ऑफ केरला, केरला में जो मोनेजाइट नाम की जो मिट्टी है वहाँ पर थोरियम पाया जाता है। देयर आर 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द इंडिया, इस समय भारत में 6 पावर स्टेशन हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं इंडिया के अंदर, जो जिनके नाम हैं नेमली कोटा, नरौरा, कलपक्कम, कैगा, काकरापाड़ा और तारापुर, ये 6 स्थान हैं जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से न्यूक्लियर प्लांट को लगाया जाता है, चित्र दिया गया है। उसके बाद में जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी का अर्थात इसको हम भूतापी ऊर्जा भी कह सकते हैं, या पृथ्वी के अंदर जो गर्मी होती है वो ऊर्जा का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए। एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ्स इंटीरियर इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको बताया पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतहों के अंदर जो गर्मी पाई जाती है उस गर्मी को, उस ऊष्मा को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी गो डीप इन टू द अर्थ इंटीरियर, जब हम पृथ्वी के अंदर की सतह की तरफ जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इन वॉल्केनिक रीजन्स जब द हीट एनर्जी इज अवेलेबल इन हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स, तो जब हम उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं, उनका सेंटर होता है, उस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हीट प्राप्त होती है, बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है और बहुत बड़े वहाँ पे एनर्जी का भंडारण पाया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी इज यूज फॉर कुकिंग द एंड बाथिंग, जियोथर्मल एनर्जी का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, बाथिंग में भी कर सकते हैं और कुकिंग में भी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड कॉल्ड द लैंड ऑफ हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स, न्यूजीलैंड को हॉट स्प्रिंग और गीजर्स की भूमि कहा जाता है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, न्यूजीलैंड जो देश है वो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है जियोथर्मल एनर्जी का। येलोस्टोन नेशनल पार्क रीजन्स इन यूनाइटेड स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी फॉलोड बाई आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका, इसको आप देखते हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क रीजन इन यूनाइटेड स्टेट, येलोस्टोन पार्क जो नेशनल पार्क है यूनाइटेड अमेरिका के अंदर इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, ये भी जियोथर्मल एनर्जी का उत्पादक देश है। इसके बाद में
बाई आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका भी इसका उत्पादन करता है। इन इंडिया जियो थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड नियर मानिकरान इन हिमाचल प्रदेश एंड प्यूगा वैली इन लद्दाख। तो लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में भारत के अंदर जियो थर्मल एनर्जी के सेंटर पाए जाते हैं, और जियो थर्मल एनर्जी को चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको दर्शाया गया है। उसकी बाद हम बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस इंडिया लीड्स इन कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक वेस्टेज स्पेशली ह्यूमन एंड एनिमल्स वेस्टेज। इसमें इस बायोगैस किस प्रकार से बनाया जाता है, इस बायोगैस का निर्माण जो है अपशिष्टों से होता है, मुख्य रूप से जानवर और मनुष्यों के जो अपशिष्ट हैं उनसे जो है इस बायोगैस को बनाया जाता है। काउडंग इसमें गाय का गोबर भी शामिल किया जाता है। इनटू फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग कॉल्ड बायोगैस। बायोगैस को हम कुकिंग के रूप में भी यूज करते हैं और प्रकाश के रूप में उसको हम यूज करते हैं, और उसे हम बायोगैस कहते हैं। इसका प्रयोग बायोगैस का प्रयोग हम कुकिंग और लाइटिंग के लिए करते हैं, प्रकाश के लिए भी करते हैं, और खाना बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट इज एम्ड एट यूटिलाइजिंग बायो डिग्रेडेबल वेस्टर्स इन द विलेज एंड सिटीज। ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं जिनसे जो कचरा वगैरह या वेस्टेज निकलते हैं उस वेस्टेज को हम, जैसे शहर में भी होते हैं गांव में भी होते हैं कचरे, तो कचरे का प्रयोग हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के रूप में प्रयोग करके बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं। टाइडल एनर्जी, ये देखिए ये तरंग ऊर्जा होती है, तो तरंग ऊर्जा के विषय में आप देखें दे आर रेगुलर फेनोमेना ऑन सी कोस्ट। ये एनर्जी जो है हमें समुद्र इत्यादि की तरंगों से प्राप्त होती है। टेक्नोलॉजी इज स्टिल इन इट्स इन फैंसी इन रिसेंट ईयर्स न्यू इंटरेस्ट इज बींग शोन इन हाइड्रो एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम वाटर। दे आर ऑल्सो कंसर्न विद द हार्मफुल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। टाइडल एनर्जी देख सकते हैं, ये एनर्जी बिल्कुल भी नुकसानदायक होती नहीं होती है। आप देख सकते हैं चित्र में किस प्रकार, तो इस जितने भी एनर्जी आपको ऊपर पढ़ाई गई है, चाहे वो एनर्जी आपको सौर ऊर्जा से प्राप्त हुई या कोयले से मिली हो, वो सब की सब जो है वो नुकसानदायक होती है। लेकिन टाइडल एनर्जी जो होती है बींग सोन इन हाइड्रो एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम वाटर जो पानी से प्राप्त करते हैं, ऐसी एनर्जी भी नुकसानदायक हो सकती है। दे आर आल्सो कंसर्न विद द हार्मफुल इफेक्ट, इसके बहुत खतरनाक परिणाम होते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। या फॉसिल फ्यूल की जो एनर्जी होती है वो भी हानिकारक होती है, परंतु टाइडल एनर्जी जो होती है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। समुद्र की तरंगों से इसको बनाया जा सकता है, इसका निर्माण किया जाता है, और टाइडल एनर्जी के प्लांट जो है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, और साइड में बायोगैस को भी दिखाया गया है। कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, जैसा कि आप जानते हैं विश्व की जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, एंड द डिमांड्स ऑफ मोर, और जब जनसंख्या बढ़ती है तो हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं, हमारी मांगें बढ़ती हैं, एंड मोर पीपल हैव हायर एम्बिशंस, और हम जो ज़्यादा लोग हैं तो हमारी इच्छाएँ भी ज़्यादा होती हैं, हमारी एम्बिशंस भी ज़्यादा होती हैं, हैव रिजल्ट जिसका परिणाम होता है शॉर्टेज एंड एक्सटेंशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। एक तो हर चीज़ की कमी पड़ती है और हर चीज़ को हम अत्यधिक यूज करते हैं तो वो चीज़ खत्म होने के कगार पर आ जाती है, चाहे वो मिनरल रिसोर्स हो या वो कोई एनर्जी हो। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, वंस कंजम्प्ट दे बिकम कम्प्लीटली एग्जॉस्ट एंड कैन नॉट बी जनरेट सून। कुछ ऐसी चीज़ें हैं नॉन रिन्यूएबल जिनको हम एक बार उपयोग कर लेते हैं वो खत्म हो जाती हैं और दोबारा से वो जल्दी तैयार नहीं हो सकती हैं और वो चीज़ें वहीं की वहीं खत्म हो जाती हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर आल्सो एग्जिक्यूटिबल रिसोर्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं वो सारे के सारे एक सीमा के एक हद के अंदर बंधे हुए हैं, एक निश्चित समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैव बीन डुइडलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड,
कोयले और पेट्रोल का उत्पादन पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में होता है, इसका उपभोग बड़ी मात्रा में हो रहा है और जिसका ये परिणाम है कि पूरे विश्व में एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। द एक्साइटिंग रिसोर्सेज ऑफ द पावर नीड टू बी अर्जेंटली कंजर्व, इसीलिए हमको इसे बड़े पैमाने पर अर्जेंटली इसको कंजर्व करना होगा, इसे कंजर्व करने की आवश्यकता है। सेविंग देम, उसको बचाना होगा फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी को लिए इन चीजों को बचा के रखना होगा। सो दैट दे आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ देम, इसके खनन पर हमें रोक लगानी होगी, इसके उपभोग पर हमें रोक लगानी होगी ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये चीजें प्राप्त हो सकें। द वेज इन विच मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड आर, वो तरीके बताए गए हैं जिस प्रकार से हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, वो तरीके यहाँ पे दिए गए। तो पॉइंट नंबर वन में क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, मैनी मेटल्स कैन बी रीयूज्ड बाय रिसाइकलिंग लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, जो धातु के रूप में होते हैं, या इसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, जैसे आपका लोहा है या सोना है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये चीज़ें ऐसी हैं इनका प्रयोग हम दोबारा कर सकते हैं और ये चीज़ आगे वाली पीढ़ी को आसानी से मिल भी जाएगी। सेकंड पॉइंट है, वी शुड नॉट वेस्ट देम, हम उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे जो आने वाली पीढ़ी को भी प्राप्त हों। वी शुड नॉट वेस्ट देम, हमें उन्हें बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो आगामी पीढ़ी को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यूजिंग इम्प्रूव्ड मिनिंग टेक्नोलॉजी टू मिनिमाइज वेस्टेज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, यूजिंग इम्प्रूव्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी, हम ऐसी तकनीक या ऐसी सुधरी हुई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे जिससे कम से कम जो कचरा है वो पैदा हो, और जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो उत्सर्जन करते हैं जिन चीज़ों का, उसमें कम से कम उन चीज़ों की बर्बादी हो। नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशियस एंड सेलेक्टिव माइनिंग, हम इसकी जो माइनिंग करते हैं, किन चीज़ों को खोदते हैं, खनन करते हैं, तो एक सेलेक्टिव तरीका अपनाएंगे और जो कानून बनाए जाते हैं उसका भी पालन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग चीपर एंड मोर एबंडेंट अल्टरनेटिव ऑफ सोर्स मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग एल्यूमिनियम, अच्छा वैकल्पिक जो संसाधन है उनका प्रयोग हम करेंगे, जिस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर बताया जा रहा है। यूजिंग एल्यूमिनियम ए मिनरल अबंडेंट इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ कॉपर, यानी कॉपर के स्थान पर हम एल्यूमिनियम का प्रयोग कर सकते हैं जो कि हमारे यहाँ आसानी से पाया जाता है। ये मिनरल स्केयर इन इंडिया, और जो तत्व इंडिया में कम पाए जाते हैं इनकी जगह पे दूसरे तत्वों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, जो हमारी जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज है या जो बिजली के कारखाने हैं, उनमें हम एक धातु की जगह पे दूसरी धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजिंग इन हैक्सटिबल रिसोर्स ऑफ पावर इन स्टेप ऑफ हैक्सटिबल रिसोर्सेज, ऐसे स्रोत जो खत्म होने के कगार पे हैं, उनके स्थान पर हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिनके प्रयोग की कोई सीमा नहीं है, जिनकी कोई हद नहीं है। ऐसे सोर्स को हम यूज करेंगे और ऐसे सोर्स को यूज नहीं करेंगे जो खत्म होने वाले हैं। नेक्स्ट, अंडरटेकिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडेंटिफाई एरियाज विद गुड मिनरल डिपोजिट विच कैन बी माइंड एट ए रीजनेबल कॉस्ट, अंडरटेकिंग एक्सप्लोरेशन टू आइडेंटिफाई एरियाज, हम ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे जहां पर बहुत ही मूल्यवान मिनरल्स निकलते हैं या मूल्यवान भंडारण पाया जाता है, ऐसे स्थान को हम चिन्हित करेंगे, उसको हम सुरक्षित रखने का प्रयास भी करेंगे। मिनिमाइज द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और एक काम करेंगे, जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं इनके प्रयोग को हम कम से कम करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे। और लास्ट पॉइंट है, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, ऐसे यंत्रों का प्रयोग पर करेंगे जिससे अधिक से अधिक शक्ति को बचाया जा सके। कनेक्ट टू ज्योग्राफी में देखेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई विंड एनर्जी डज नॉट पॉल्यूट द एयर, जो एनर्जी हम पवन विंड एनर्जी से जो बता रहे हैं, वो उससे क्या होता है, किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो रहा है।
जियोवन्नी गोंटी फर्स्ट डिस्कवर्ड जियोथर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी एट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई विंड एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई ऐसी ऊर्जा जिसको हम किससे पैदा करते हैं, हवा के द्वारा पैदा करते हैं, डज नॉट पॉल्यूट द एयर, जो कि हवा को प्रदूषित नहीं करती है। जियोवन्नी कोंटी ये आदमी का नाम है, फर्स्ट डिस्कवर्ड इसने पहली बार खोज की थी जियोथर्मल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एट लार्डेरलो इटली, ये इटली में इसने सन 1904 में लार्डेरलो जगह जो इटली में पाई जाती है, तो इस व्यक्ति ने जियोवन्नी कोंटी नाम के व्यक्ति ने जियोथर्मल एनर्जी की खोज की थी। सेकेंड पॉइंट है इसमें, इट इज एस्टिमेटेड दैट, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आइसलैंड्स जियोथर्मल एनर्जी कुड प्रोवाइड, जो आइसलैंड है जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पर जो इस प्रकार की एनर्जी जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं 1700 मेगावाट फॉर ओवर 100 ईयर्स, ऐसी एनर्जी को वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं जिसकी क्षमता 1700 मेगावाट होगी और इसका यूज हम 100 वर्षों तक कर सकते हैं, जिसकी तुलना में कंपेयर्ड टू बी करेंट प्रोडक्शन ऑफ 140 मेगावाट, मतलब इतनी एनर्जी हम 100 वर्षों में 140 मेगावाट जो है यूज कर सकते हैं, कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पर 1700 मेगावाट हम प्राप्त कर सकते हैं। और आपका ये लेसन अब समाप्त हुआ और दोनों पार्ट में लेसन पूरा खत्म हो रहा है। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। दैट्स ऑल, ऑल द बेस्ट।